हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लुबीना पारुल। टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ फेडरलिज्म। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू स्टार्ट व्हाट इज़ फेडरल सिस्टम। सो फेडरल सिस्टम इज़ अ सिस्टम इन विच द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर सब्जेक्ट टू द सेम सोर्स ऑफ द सॉवरेन पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बोथ द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इनएक्ट्स लॉज एंड आर सुप्रीम इन देयर जुरिडिक्शन। अर्थात फेडरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक ही स्रोत यानी संविधान को संप्रभु शक्ति के अधीन होती हैं और दोनों प्रकार की गवर्नमेंट जो होती हैं वो अपने जुरिडिक्शन में जो है वो लॉ बनाती हैं। जो फेडरलिज्म वर्ड है वो फॉयडिस से लिया गया है जिसका मतलब होता है ट्रीटी या एग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू ए सी डाइसी हु आइडेंटिफाइड द थ्री लीडिंग फीचर्स ऑफ अ कम्प्लीटली डेवलप्ड फेडरलिज्म एज इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन पावर्स अमंग गवर्नमेंट बॉडीज अलॉन्ग विद द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स एज द इंटरप्रेटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों को अलग अलग शक्तियों में बांटा गया है, लेकिन इन दोनों का उद्देश्य एक ही होता है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो 1787 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट की फेडरल सिस्टम की स्थापना में इसका सबसे पहला प्रयोग किया गया था। उसके बाद जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में फेडरलिज्म को स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में, कनाडा के डेमोनियन में, ऑस्ट्रेलिया व इंडिया के राष्ट्रमंडल में शामिल कर लिया गया था। जो फेडरल कंट्रीज़ हैं वो हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड, इंडिया, कनाडा। बाकी अगर हम इंडिया में इसका ओरिजिन देखें तो जो हमने जो फेडरल सिस्टम लिया है वो कनाडा से लिया है। हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो कनाडा से इफेक्टेड है। इंडिया में फेडरलिज्म 1935 के द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से अपनाया गया है। ब्रिटिशर्स ने इस एक्ट को पास्ट किया था तब फेडरल सिस्टम वर्ड का यूज़ हुआ था। हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो अमेरिका के जैसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका का जो फेडरल सिस्टम है उसमें समझौता है, कोई भी राज्य कभी भी अलग हो सकता है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी गई हैं तो साथ ही साथ में रेस्ट्रिक्शन भी लगाई गई हैं। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन मन में उठता है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड्स लिखा कहाँ पर है, हमें कैसे पता चलेगा कि फेडरल वर्ड है कहाँ पे? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरल वर्ड यूज़ नहीं किया गया। अगर हम आर्टिकल 1 देखें तो उसमें यूनियन वर्ड यूज़ किया गया है। यूनियन वर्ड यूज़ करने के दो रीज़न है, क्योंकि अगर हम फॉयडिस वर्ड लेते, फॉयडिस मीन्स फेडरलिज्म, फेडरलिज्म उसका मतलब होता है ट्रीटी या एग्रीमेंट, लेकिन हम जो है वो समझौता नहीं कर सकते थे, इसलिए आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पर यूनियन वर्ड यूज़ किया गया है। इसके दो रीज़न हैं कि पहला तो ये कि स्टेट का कोई भी अपना कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, दूसरा जो राज्य है वो संघ से कभी भी अलग नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 246 जो बताता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। इसका जो क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 है, उसमें किसी बात के होते हुए पार्लियामेंट को 7 शेड्यूल में लिस्ट दी गई है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में संघ सूची कहा गया है। इसमें 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है, स्टेट लिस्ट पर जो है वो स्टेट लॉज बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट पर ये दोनों मिलकर लॉज बनाती है। पर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी लिस्ट आई, ऐसा लॉज आया जिसमें कन्फ्यूज़न हो कि ये किस में जाएगा, तब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन दी है, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस, ये पता लगाने के लिए कि कोई लॉ वैलिड है या फिर
वैलिड नहीं है। तो प्रफुल्ल कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का बैंक ऑफ कॉमर्स का ये केस है, जिसमें कहा गया कि किसी भी जब कोई भी लॉ बनाया जाएगा तो उसका ट्रू लेजिस्लेचर देखा जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट देखा जाएगा, उसका इफ़ेक्ट देखा जाएगा, उसका स्कोप देखा जाएगा, तब देखा जाएगा कि ये जो लॉ है ये बनने लायक है या नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब इमरजेंसी लग जाती है तो इमरजेंसी में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा पावर्स चले जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि कोविड का टाइम चल रहा है, हेल्थ का जो सब्जेक्ट मैटर है वो स्टेट के पास आता है, लेकिन उसमें लॉज इस टाइम कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि ये इमरजेंसी का टाइम चल रहा है, तब सोशल वेलफेयर के लिए जो है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉज बना सकती है। इसको हम देख सकते हैं आर्टिकल 48 की क्लॉज 2 में, रेसिडुअरी पावर, जिसमें कहा गया है कि तीन लिस्ट में जो भी आइटम है इसके अलावा अगर कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर कोई नया सब्जेक्ट आएगा तो लॉ कौन बनाएगा? तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमारा जो भारत है वो पूरी तरह से फेडरल है या नहीं है? तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से फेडरल नहीं है, हमारा जो सिस्टम है वो क्वासी फेडरल है। क्योंकि कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ पर जो है एक ही गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर चली जाती है, जैसे इमरजेंसी का टाइम हो गया। सेकंड, इसका दूसरा एक्सेप्शन है आर्टिकल 240, जिसमें चार जो हैं यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बताया गया है। तो इस यूनियन टेरिटरीज़ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉज बना सकती है। दूसरा इसका एक्सेप्शन है 7th शेड्यूल, ये इसमें भी जो है लॉज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है और सेंट्रल का इस पे कोई भी लॉ अप्लाई नहीं होगा। तीसरा है 6th शेड्यूल, जो ट्राइबल एरियाज़ को कवर करता है, जिसमें भी यही कहा गया है कि जो है उस पर लॉ अप्लाई नहीं होगा। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 254 में रिपग्नेंसी बता रखी है, अगर सेम सब्जेक्ट मैटर हो तो पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है। तब उस सब्जेक्ट मैटर के लिए जो भी लॉ बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगा वो वैलिड होगा, उसको पहले वैलिड माना जाएगा, और जो स्टेट जो लॉ बनाएगी उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। इसमें जो केस है वो सबसे इम्पोर्टेंट केस है, SR Bommai वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का ये केस है इमरजेंसी का, जिसमें कहा गया था कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी आर्बिट्री पावर का यूज़ करके किसी भी गवर्नमेंट को हटा सकती है। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने पावर तो दे रखी है, लेकिन उनके पास आर्बिट्री पावर नहीं होगी, उन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप कोई भी अमेंडमेंट या लॉस तो ला सकते हैं, परंतु आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं ख़त्म कर सकते, और फेडरलिज्म को भी बेसिक स्ट्रक्चर ही माना गया है। इसका दूसरा केस हम देख सकते हैं क्वासी फेडरल का, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963 का ये केस है। इसमें पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया गया था जिसके तहत एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट आया था, ऑल इंडिया में कहीं भी जो है गवर्नमेंट जो है वो लैंड एक्वायर कर सकती है। तब स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ने ये केस किया था कि क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई भी लॉज बना सकती है। तब हाईकोर्ट के जज ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरी तरह से फेडरल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, जो पॉलिटिकल सॉवरेंटी है वो स्टेट और यूनियन के डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो पार्लियामेंट कर सकती है, सॉवरेन पावर है उसके पास, और स्टेट के पास ऐसी कोई भी सॉवरेन अथॉरिटी नहीं है। इसका अदर एग्जांपल देखें तो मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का ये केस है, जिसमें कहा गया था कि टैक्सेशन का सेक्शन 4 और 55 को चैलेंज किया गया था। इसमें कहा गया था कि जो कंपनीज़ पे जो टैक्स लगाया जा रहा था उसमें ये बॉन्ड साइन करवाया जा रहा था कि आप जो है किसी भी कोर्ट्स में नहीं जा सकते, इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं करा सकते। तब कोर्ट ने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, आप जो है जुडिशियल रिव्यू को नहीं ख़त्म कर सकते, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू भी